अभी हम लोग गरो जा रहे हैं, एक बैल के लिए कॉल आया है। नानक जी ने बताया कि उसके पैर में पिछले एक हफ्ते से शायद कोई डब्बा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा घाव बन चुका है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। इंजेक्ट हो गया है पर इसने टारगेट छूट गया ना, छूट जाती है नॉर्मली, लेकिन प्रेशर ज्यादा था। हां परफेक्ट। अंधेरे में रस्सी जो है वो डाल नहीं रही, अंधेरे में दिख ही नहीं रहा कुछ भी। फिर से हम एक बार डार्ट ट्राई करेंगे। ये तीनों साइड से मतलब बाउंड्री लगी है पर एक साइड से खुदा है, तो हमने फिर सोचा कि गाड़ी से ट्राई करते, क्योंकि हम अब पास में जा रहे तो भाग रहे हैं, तो डार्ट तो लग गई है पर हम बस अब रोक के बैठे हैं इसके नीचे वाली साइड सारे। इसके पीछे वाले पैर में प्लास्टिक का दही वाला मटका जो आता है वो फंस गया था, हल्के से स्क्रैचेस की वजह से हुए हैं। ये अच्छी बात है कि ज्यादा डीप जख्म नहीं है। अभी हमने इसको जो इसकी जख्म है उसको क्लीन करके पेन किलर दिया है। मिमी को समर के टाइम में बहुत उसको गर्मी लगती है, और अब हम जब अपने लार्ज एनिमल्स को और इवन बेटी जी संजू और मिमी को बाहर बड़े ग्राउंड में छोड़ते हैं तो मिमी वहाँ पर ज़्यादा देर रह नहीं पाती है गर्मी की वजह से। इस वजह से हमने उसको पूरी तरीके से शेव कर दिया है, और अभी मिमी पहले से थोड़ा ज़्यादा बेटर फील कर रही है। हालांकि गर्मी उसको अभी भी बहुत लगती है, इसलिए वो हमारे क्लिनिक में अंदर बैठना प्रेफर करती है, लेकिन अभी पहले से काफ़ी बेटर है। अभी हम जा रहे हैं रजौल, जिस डॉग के लिए हम जा रहे हैं उसको कॉलर ने बताया कि उसके गले में हड्डी फंसी हुई है। डॉग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गई, वो उसमें से निकलने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में उसके गले से हड्डी अपने आप निकल आई, तो वो केस हमारा वैसे सॉल्व हो गया। चंबी से हमने एक डॉग रेस्क्यू किया है, ये एक अबैंडन ब्रीड डॉग है। इसकी एक आंख में प्रॉब्लम है, उस आंख में मैगेट्स भी थे काफ़ी ज़्यादा, तो मैगेट्स को हमने क्लीन कर दिया और उसकी आंख में जो पार्शियल डैमेज है उसका भी ट्रीटमेंट हमने शुरू कर दिया हुआ है। ये अराउंड 8 to 9 ईयर्स का है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वीक है, इस वजह से अभी तो इसको हम लोग यहाँ पे पपीज़ के साथ रख रहे हैं और रात में फॉस्टरिंग के लिए भी लेकर चले जाते हैं ताकि ये अकेले कैनल में ना रहे, क्योंकि जो ये टॉय ब्रीड डॉग्स होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन एंग्जाइटी ये सब की प्रॉब्लम होती है, जिससे हेल्थ पे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। आपने कहा था कि आप सर आओ मैं आपको कहानी बताती हूँ, बैल उड़ रहे हैं हमारे यहाँ। अभी क्या हो गया ना, इतने बड़े बड़े बैल हैं हमारे पास, ऐसे तो शांत है सब, लेकिन जैसे हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और अचानक से उस दिन मैंने देखा कि वो जो छोटा वाला हमारा भूतनाथ है वो बस मतलब मेरे को फिकाता हुआ नजर आया, वो ऐसे हवा में और भूतनाथ उड़ रहा था। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उसको जब मैंने देखा तो बड़ा वाला जो हमारा बैल है अफ्रीका, उसने उसको इतनी ज़ोर से मारा अचानक ही कि वो पूरा उसकी सिंग से लग के वो उछल के गिरा, और ऐसा दो बार हो गया। तो अभी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक से दो बंदे एनी टाइम रहे। ये स्पेस का इशू हमारे यहाँ हो गया, इनफैक्ट अभी चरण दास ने अष्टमी को लात मार दी। अष्टमी को वैसे ही साइनस की प्रॉब्लम रहती है और उसकी वही बोन टूट गई, दर्द तो उसे बहुत हुआ पर लकीली ये है कि उसकी कंडीशन वर्स नहीं हुई। अब चरणदास को पीछे शिफ्ट कर दिया है, अभी यहाँ पे एक भाई साहब और भोला घूम रहे हैं सोशलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये लड़ते झगड़ते ज़्यादा हैं, इन्हें भी पीछे शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमारे पास हमेशा बहुत सारे केसेस रहते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा, कितने तो हमारे ट्रीट ऑन स्ट्रीट चलते हैं। अभी तुमने एक वो डब्बे वाला भी किया कोई? हाँ, डब्बे वाला बैल के लिए। हम लोग उस दिन 6 बजे यहाँ से निकले हैं। 6 बजे आप लोग गए हो? हाँ सर, क्योंकि कॉल मुझे 5:50। ओह वेरी गुड। अचानक जो घरों में हमें काफ़ी सारे रेस्क्यूज के लिए कॉल करते हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैम बहुत ब्लीडिंग हो रही है, आप एक बार ये वाला बैल करवा दो, आगे का जो मेडिकेशन है वो मैं दे दूंगा, बोलस वगैरह, आप बस का डब्बा निकलवा दो और एक बार पट्टी करवा दो, क्योंकि पकड़ने में दिक्कत आ रही है। बोलस मैं आपको समझा दूँ, बोलस ये जो गाय बैल की दवाई रहती है, इसका पिल जो है ना बड़ा सा होता है, जैसे मेलोनिक्स पेन किलर है उसकी पपीज़ के लिए ड्रॉप्स आती है, लेकिन अब गाय बैल बड़ा जानवर है तो उसके लिए बोलस आता है, ऐसे बड़ा सा पिल होता है मेलोनिक्स का, आपको किसी केमिस्ट मिल जाएगा। वैसे तो हमेशा डोजेज पूछ के ही आपको देनी चाहिए, पर कभी इमरजेंसी है, वेट नहीं है, तो आप केमिस्ट से भी पूछ सकते हैं। अब मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले वो कोई बैल था जिसके मुंह में डब्बा फंस गया था। हाँ, ये हमें टांडा से कॉल आई थी, मुंह में डब्बा फंसा हुआ था, घी के डब्बे में उसने मुंह डाल दिया था। तो भैया तो लोगों को सड़क पे डब्बे ना फेंके या बैल फेंकना बंद करें, दोनों में से एक चीज़, या हो सके तो दोनों ही चीज़ें हो तो बेहतर है। बाय द वे आप देखेंगे लास्ट टाइम में ज्योति को कह रहा था भाई इतने रेस्क्यूज मतलब, अब की बार मैं कह रहा हूँ कि भाई आप 6 बजे जब हमारा क्लिनिक बंद हो गया उसके बाद मत जाओ। चक्कर ये कि ये जो काम है ये मैराथन है, हम चाहते हैं 50 साल 100 साल ये काम चलता रहे, स्प्रिंट नहीं है कि भाई
करा बर्न आउट हो गए खत्म। जैसे इंडिविजुअल रेस्क्यूअर होता है उनके साथ यही होता है, लोग उन्हें बोल बोल के परेशान करते थे कि आप फिर कहते तो बड़ा जानवरों का, अरे जानवरों का कहते हैं पर एक क्षमता होती है, किसी की कैपेसिटी होगी कि वो एक ही जानवर कर सकता है महीने में और वो भी 5 बजे तक कर सकता है या कोई ऑफिस से आके ही कर सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इनको कहता हूँ कि ये लोग बर्न आउट हो जाएंगे। अभी हम सुनने को रिलीज करने जा रहे हैं, इसको हमने रजौल से रेस्क्यू किया था, उस टाइम हम इसको स्पेस सर्जरी के लिए यहाँ लेकर आए थे, लेकिन पता चला कि इसको इनिशियल स्टेज पे टीवीटी का प्रॉब्लम है। 2 हफ्ते उसका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद हमने इसकी सर्जरी कर दी थी और अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और आज हम इसको रिलीज करने जा रहे हैं। मैंने साहिल को बोला था कि आपसे बात कर ले इस बैल के बारे में जिसको हम यहाँ पे पेन मैनेजमेंट के लिए रखने वाले हैं शाहपुर वाला। अभी जब तक हमारे पास कोई केस आ नहीं रहा है तब तक मैं इसको यहीं पर रहने दूँ हमारी नज़र में, या फिर मैं इसको पीछे ही शिफ्ट कर दूँ जहाँ इसको रहना है। लेकिन इसका इन्फेक्शन हम मैनेज कर सकते हैं या बस पेन ही मैनेज सर वो ही है, वो तो घाव तो बना रहेगा क्योंकि इसको उठने बैठने में इतनी तकलीफ होती है, वो जो पोर्शन है वो लगातार घसीटता है ना जब वो उठता है, और उठने में 3 से 4 बार तो वो पहले गिरता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है इसके साथ। अब कई लोगों को लगता है ना कि भाई यहाँ पे भाई डेथ बड़ी होती है, भाई केस ही ऐसे आते हैं वो है उसकी स्किन जो है वो हमेशा परमानेंटली ब्रीच्ड है। स्किन ही एक बैरियर है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अंदर जाने से रोकती है, तब उसकी स्किन खुली हुई है तो उसको इन्फेक्शन होगा ही होगा, सारा दिन उसने अपने वो गोबर में बैठेगा। अब ये कोई ह्यूमंस तो है नहीं जिन्हें आप समझा सको। एक इसी से हमारे यार और वो किसकी डेथ हुई है, मानसी की। हम उसको ट्रीटमेंट करने शाम को जो खाने के बाद की ट्रीटमेंट होती है वो करने गए हुए थे, उसने खाना भी आराम से खाया, उसका ट्रीटमेंट भी सर ने कर दिया था, उसके बाद वो अचानक से फिर जब यूरिन करने लगी तो सर ने थोड़ा नोटिस किया अनकम्फर्टेबल है ना, उसको अचानक अटैक आया, वो गिर गई, उसके बाद इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमने तुरंत दे दिया, CPR वगैरह भी करने की कोशिश की रिवाइव करने के लिए, लेकिन उस दिन वो नहीं बच पाई। नेक्स्ट डे हमने पोस्टमार्टम किया तो हमें ये पता चला कि उसको अल्सर्स थे पेट में 3 बड़े और वो बर्स्ट हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई एक ही दिन में। ये भी होता है भी कोई मामूली चीज़ की वजह से आया और फिर उस एनिमल की डेथ हो जाए ना, तो अजीब तो लगेगा भाई, जिसने जो रेस्क्यूअर है उसको भी अजीब लगेगा कि मैं तो कट के लिए भेजा था ये कैसे हो गया, क्योंकि ये नहीं पता ना कि अंदर क्या चल रहा है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, अंदर अल्सर है, अंदर ट्यूमर है, जैसे बेब को ट्यूमर्स थे, बेब को ट्यूमर अंदर फैल चुका था, तो अंदर क्या है, उन्होंने क्या खा रखा है, इतनी सारी चीज़ें, हो सकता है पहले किसी ने गलत मेडिकेशन दे रखी हो, जैसे आइवरमेक्टिन दे देते हैं तो लिवर या किडनी में से कुछ डैमेज होता है। हमें यही सही लगता है कि भाई जो रेस्क्यू कॉल कर रहे हैं ना वो अगर आते रहें मिलते रहें तो वो प्रोग्रेस देख सकते हैं, ताकि उन्हें अचानक फिर झटका ना लगे, जैसे वो फुग्गा को जो छोड़ के गए थे जो नाराज़ हो रहे थे वो आए ना दोबारा मिलने, पहले हमें बोला था वो आए थे उसको अडॉप्ट करने, कि फुग्गा पहले ही अडॉप्ट हो गया था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो जो चिंगम को लेके आए थे, वो 2 घंटे दूर से बस से आए लेने, अभी तो उनको अपने बेटे को भी अस्पताल दिखाना था और उसके बाद भी वो उसको लेके गए, और ये उनका स्ट्रे है। बस में लेके जा रहे थे लेकिन जब उनकी मेरे से बात हुई तो मैंने उनको बोला कि सही नहीं रहेगा आइडिया उसके लिए, उसके बाद उन्होंने खुद ही गाड़ी कर ली और फिर वो गाड़ी में ही लेके गए उसको अच्छे से। फालूदा जिसको हमने नूरपुर से रेस्क्यू किया था, जिसके पिछले पैर में वायर ट्रैप की वजह से काफी ज्यादा इंजरीज थी, उसका एम्पुटेशन आज हम करने वाले हैं। इसका एम्पुटेशन हमने डिले किया था क्योंकि स्टार्टिंग में डॉग बहुत ज्यादा अग्रेसिव था, इसके ब्लड में भी इन्फेक्शन था और साथ ही में गाँव पुराना होने की वजह से वहाँ पे भी इन्फेक्शन था। डॉग का बिहेवियर भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, ब्लड इन्फेक्शन भी ठीक हो चुका है और साथ ही में इसका जो पैर में घाव पुराना होने की वजह से पस और बाकी इन्फेक्शन थे वो भी क्लियर आउट हो चुके हैं, तो आज हम इसकी सर्जरी कर देंगे और साथ में इसकी रेगुलर ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर सब शुरू हो जाएगा। लगभग 2 से 4 हफ्ते में ये डॉग वापस पहले की तरह ठीक हो जाएगा और फिर ये वापस अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए ना सर ये जो ब्रीड डॉग ये वाला डैलमेशियन, हाँ अबैंडन, इसको अबैंडन कर दिया था 1-1.5 साल पहले इसके ओनर ने, उसके बाद कुछ फॉरेनर्स थे जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, उन्होंने 6 से 8 महीने रखे अपने पास और उसके बाद वो लोग कहीं चले गए, उसके बाद ये हुआ कि ये डॉग भटकती रही, इसको स्किन कंडीशन हो गई, इसके लिए हमें कॉल आई, फिर हमने इसकी कंडीशन देख के फिर हाँ बोल दिया। कुछ टाइम तो दार वालों ने रखा, जगह नहीं थी, तो फिर जैसे हमारे पास हुए हमने ये केस ले लिया अपने पास। फॉरेनर्स जो थे इसके अडॉप्टर्स वो इसको ढूंढ रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं इसको वापस लेना। हमने कारण वगैरह पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी अपने फ्रेंड को रखवाया था, लेकिन मेरे को एक चीज़ है वही मेरे को यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपडेट कैसे नहीं लिया, आपका डॉग है आपने अडॉप्ट किया, नाउ दे वांट कि हम डॉग वापस दे दें और वो उसको अपने साथ लेके जाएंगे हर जगह, फिर आई डोंट नो देखते हैं वो लोग अभी आए हुए हैं। लेकिन उन लोगों ने स्टरलाइज भी नहीं कराया था ना इसको, नहीं उन लोगों ने, तो ऐसे लोगों को नहीं देना। ये जो लोग ब्रीड डॉग छोड़ते हैं ना, ये
वो कम होते हैं जिन्होंने खरीदे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं जिन्हें मुफ्त में मिला होता है, क्योंकि लोग घर ले तो आते हैं, पेट ध्यान भी रखेंगे, पर इतने जिम्मेदार नहीं होते कि स्टरलाइज करा दें, या कई बार डॉक्टर बेकार एडवाइस दे देते हैं उन्हें कि भाई फर्स्ट हीट की आप वेट कर लेना, फिर स्टरलाइज कराना, उतने में 6-8 बच्चे हो जाते हैं, फिर वो उसको दिवाली की मिठाई की तरह इधर उधर बांटते फिरते हैं, और जिसकी झोली में आ गया उसने रखा, जब शौक पूरा हुआ चल भाई आगे बढ़ दिया, तो जैसे ये पिंकी फेड सा हो गया स्किन इन्फेक्शन की वजह से, तो भाई निकालो इसके, हमारी तो पॉलिसी है ना स्प्रे एंड न्यूट्रल तो चाहिए। इंडिया में ऑलरेडी इतने कुत्ते हैं, और हम तो यही कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप तो यही है ना कि भाई लोग न्यूट्रल करें इसके, आपको तो खुद पता है। हाँ, मेरे भी न्यूट्रल। आप हिंदी बोलते हैं, अगर न्यूट्रल करते हैं तो आपके डॉग की एज बढ़ जाती है, प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो जाता है, लेस एग्रेसिव हो जाता है, घर से भागने का खतरा कम हो जाता है, हम नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, अडॉप्ट आउट नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मानना ही ये है कि भाई हमें नहीं करानी न्यूट्रल ऐसे जगह पे, अगर हम समझाएंगे तो शी विल अंडरस्टैंड दैट इट्स गोना बी बेटर फॉर पिंकी टू गेट न्यूट्रल, आर यू ओपन टू द एक ऑप्शन रहेगी, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर बता दें, ऐसे खड़े प्यार डिसीजन लेने का तो क्या फायदा। हमारे पास ऐसे ही एक पग आया हुआ है, एक जर्मन शेपर्ड है, ये सारे मेल हैं। हाँ सर, मेल है, कोई भी स्टरलाइज नहीं है, मेल है, ब्रीड डॉग्स हैं और फिर भी बाहर हैं, और ये इसीलिए है कि लोग स्टरलाइज नहीं कराते अपने पेट्स को और फिर वो बांटते फिरते हैं। पग की तो बेचारे की 9 साल की उम्र है उसके, जिसने भी उसको रखा वो भी ढंग से नहीं रखा, उसके पैर टेढ़े हैं, उसकी एक आंख खराब है। मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि मैं इसको अगर अडॉप्ट भी कराऊं, क्योंकि पग है कोई भी ले लेगा ना, लेकिन जो इसका मेडिकल बिल आएगा आगे जाके फिर वो कोई पे नहीं करेगा। और एक मैं आपको बताता हूँ पता क्या है, अगर पेट शॉप से कोई पग खरीद के ला रहा है ना, वो अपने आप को डॉग लवर ना ही कहे तो बेहतर है, क्योंकि ये तो ब्रीड के साथ ही क्रुएल्टी है, इनको हमेशा रेस्पिरेटरी इशू रहते हैं, उसका स्नाउट खत्म ही कर दिया है। लोगों को अपने शौक के लिए वोडाफोन की एड देख ली 10 साल पहले, अभी तक उन्हें पग खरीदना, पग खरीदने वाले लोगों को तो अपने आप को डॉग लवर नहीं कहना चाहिए। अभी हमने एक डॉग योल से रेस्क्यूड जर्मन शेफर्ड को यहाँ पर लिया है, उसको काफी ज्यादा डॉग बाइट्स है, हो सकता है ये डॉग अपने घर से भागा हुआ हो, क्योंकि काफी ज्यादा यंग डॉग है, काफी ज्यादा एक्टिव है, ह्यूमन फ्रेंडली भी है। इसके जो डॉग बाइट्स है उसके लिए हमने इसको एंटी रेबीज का शेड्यूल शुरू कर दिया है, तो इसको थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन ये ठीक हो जाएगा, और फिर हम इसके लिए एक अच्छा सा घर जरूर ढूंढेंगे। और ये भी उम्मीद है कि इसकी पोस्ट देख के जो इसके ओनर्स हैं वो हमें कॉन्टैक्ट करें। एक रेस्क्यू हमारे पास टांडा से भी आया है, इसके लिए हमें कल भी कॉल आई थी, लेकिन कॉलर था वो सिर्फ रास्ते में उसे चलाते हुए ये डॉग दिखा था और वो वहाँ पर ठहरे हुए नहीं थे, तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि डॉग किस लोकेशन पे है। आज एक लेडी उस डॉग को हमारे पास यहाँ तक लेकर आई हैं, उसको बहुत ज़्यादा फीवर है और साथ ही में उसको कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उसके लिए हमने टेस्ट वगैरह उसके कर दिए हैं, जल्दी उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। आज के ट्रीटमेंट के लिए तो हमने इसकी फ्लूइड थेरेपी वगैरह कर दी है, इसको एंटीबायोटिक्स भी दे दिए हैं इन्फेक्शन के लिए, लेकिन अभी क्रिटिकल कंडीशन में है डॉग। इस डॉग को कल हमने सद्दू से रेस्क्यू किया जो कि नगरोटा से थोड़ा और आगे है। जब कॉल आई थी उन्होंने ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड डॉग है, प्रेग्नेंट है और डिलीवर नहीं कर पा रही है, शायद इस वजह से बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। और अभी जब हमने इसका डायग्नोसिस किया है तो पता चला है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन इसको ट्यूमर है, जो कि एक ट्यूमर तो विजिबल है, मैस्टाइटिस का इशू है, इसके जो थनों में दूध जम गया है, साथ ही साथ उसमें पस भी बनना शुरू हो गई है, इस वजह से मेनली इसको पेन हो रहा है। हमें बाहर से ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स फील हुए हैं, लेकिन कंफर्म ये अल्ट्रासाउंड के बाद ही होगा। हम इसे अल्ट्रासाउंड के लिए शाहपुर भेजेंगे आज, ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका ब्लड काफी कम है, ब्लड है भी बहुत पतला, क्योंकि जब हम इसकी बॉडी में टिक्स चेक किए तो बहुत ज्यादा टिक्स हैं, तो अभी हम इसकी इस चीज के लिए भी ट्रीटमेंट शुरू कर दें। टिंडा के फ्रंट लेग में शोल्डर के एरिया में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, जहाँ पे पहले पिन सर्जरी हुई थी इसकी, तो हमने इसे एक्सरे कराने के लिए भेजा था, और एक्सरे से ये पता चला है कि पिन के अराउंड थोड़ा सा क्रैक आया है, लेकिन उसका इफेक्ट पिन पे तो नहीं पड़ा है, और ये सेल्फ हील ही हो जाएगा, हमें बस कैल्शियम सप्लीमेंट्स इसके जरूर रखने ही हैं। अभी और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो रही है, इसकी पेन किलर लगातार चल रही है और कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। एक डॉग हमने गगल से भी रेस्क्यू किया है, इसको जब ये लोग यहाँ लेकर आए थे तो हमने डिसाइड किया कि अभी हम इसका ट्रीट ऑन स्ट्रीट ही करेंगे। उसका एक्सरे जब हमने कराया तो हमें पता चला कि उसकी स्पाइन में बेंड होने की वजह से नर्व डैमेज है, और उस कारण वो अपने पिछले पैर यूज़ नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमने इसको यहीं शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है, और अभी हम इसकी ट्रीटमेंट यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है काफ़ी, ब्लड जो है जो पूप के रास्ते बाहर आ रहा था, लेकिन फर्स्ट एड के ट्रीटमेंट के बाद स्टेबल कंडीशन में है। अब हम इसकी फिजियो स्टार्ट करेंगे,
तो इस हफ्ते का हैप्पी न्यूज है कि हमारे 3 अडॉप्शंस हुए हैं। तो फुग्गा, ढोलकी और परी अपने अपने घर चले गए इस हफ्ते अडॉप्ट होकर। ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, बिकॉज जितने अडॉप्शंस होते हैं उतने ही रेस्क्यूज हम ले पाते हैं। तो आई होप ऐसे ही इसका सिलसिला जारी रहे और हम और रेस्क्यूज ले पाए। अब गजराज हमारे पास पहले से ही था, जिसका हमारे पास कोई समाधान है नहीं। ये पग और आ गया जो बूढ़ा है, बीमार है, और इसकी अडॉप्शन हम इसलिए करा नहीं सकते। और ये अपडेट बनाते बनाते एक पिटबुल भी आया जिसको दोनों आंखों से दिखता नहीं। तो वास्तविकता से जूझते जूझते अपनी उम्मीद को कायम रखना बहुत मुश्किल हो सकता है, अगर आपकी उम्मीद ये है कि भाई एक दिन दुनिया में ना तो दर्द होगा और ना दर्द देने वाले। पर अगर आपकी उम्मीद खुद से है और ये है कि भाई आज मैं किसी का जीवन थोड़ा आसान बना सकता हूँ, चाहे वो खाना दे के हो या किसी के लिए पानी रख के, तो इस उम्मीद पे तो हम रोज़ खरे उतर सकते ही हैं।